नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ जनरल नॉलेज और मज़ेदार चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे कि रसोई में काम आने वाले चकला, बेलन तथा कढ़ाई आदि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अंग्रेजी बोलोगे हो सकता है आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रसोई में हम हर दिन कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अंग्रेजी में नाम हमें नहीं पता होता है। दरअसल हमने इन चीज़ों का नाम जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के अंग्रेजी में नाम बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल किचन में किया जाता है। दोस्तों, चकले को अंग्रेजी में रोलिंग बोर्ड कहते हैं। रोलिंग बोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गोल आकार का होता है और चपटा होता है, इसलिए रोलिंग बोर्ड कहते हैं। और बेलन को रोलिंग पिन, गोल वो भी होता है लेकिन लंबा होता है, इसलिए रोलिंग पिन। ठीक है, चकले को रोलिंग बोर्ड और बेलन को रोलिंग पिन। दूसरा है चिमटा। चिमटे को अंग्रेजी में टोंग्स कहते हैं। टोंग्स वो होता है जिसे कोई चीज़ पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसे टोंग्स कहते हैं। चिमटे को अंग्रेजी में टोंग्स कहते हैं, टोंग्स TONGS। ओखली को हम लोग अंग्रेजी में मोटार कहते हैं, मोटार। ओखली को मोटार कहते हैं। ऐसे मोटार तो आर्मी में भी यूज़ होता है, लेकिन वो ये मोटार अलग है, वो मोटार अलग होता है। ओखले को हम लोग मोटार कहते हैं, MORTAR। मूसल, जिससे हम लोग कुछ भी मिसते हैं या फिर मसलते हैं, उसे अंग्रेजी में हम लोग पेस्टल कहते हैं, पेस्टल PESTLE। मूसल को अंग्रेजी में पेस्टल कहते हैं। सरसी को अंग्रेजी में पिंसर्स कहते हैं, पिंसर्स। ठीक है, सरसी को अंग्रेजी में पिंसर्स कहते हैं, PINCERS। दोस्तों, तवे को अंग्रेजी में सोचिए क्या कहते हैं। तवे को अंग्रेजी में ग्रिडल कहते हैं, ग्रिडल GRIDDLE। तवे को अंग्रेजी में ग्रिडल कहते हैं। सब्जी को हिलाने के लिए कलछुल का इस्तेमाल किया जाता है। कलछुल को अंग्रेजी में लैडल कहते हैं, LADLE। कलछुल को अंग्रेजी में लैडल कहते हैं। चाय की छन्नी से चाय छानी जाती है, हम जो सुबह रोज़ पीते हैं, और बहुत लोग तो शाम में भी पीते हैं, दोपहर में पीते हैं, तो चाय छन्नी को टी स्ट्रेनर कहते हैं। स्ट्रेनर मतलब कि छानने वाला चीज़, तो चाय छानता है इसलिए टी स्ट्रेनर, TESTRAINER, टी स्ट्रेनर। ठीक है दोस्तों, झारा यानी पौना, पौना आप देखे होंगे जिससे सब्जी निकालते हैं, कोई भी सूखी सब्जी उसी से निकालते हैं, तो झारा को अंग्रेजी में स्कीमर कहते हैं, SKIMMER, स्कीमर। झारा को अंग्रेजी में स्कीमर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।